जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को राजौरी जिले के डांगरी गांव में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है और मारे गए प्रत्येक नागरिक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मनोज सिन्हा ने डांगरी गांव पहुंचकर कहा कि इस घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार को न्याय मिलेगा। इससे पहले रविवार शाम गाँव में हुए एक आतंकी हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए और 6 अन्य घायल हो गए। वहीं LG के कार्यालय ने ट्वीट किया है कि मैं राजौरी में कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सख्त सजा मिलेगी। मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं शोक संतप्त तो परिवारों के साथ है। आतंकवाद समाप्त हुई है, भारत सरकार की भी मंशा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी मंशा है। लोगों की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, ये मैं जानता हूँ। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। जो शहीद साथी चले गए वो अपूर्णीय क्षति हुई है उन परिवारों को। लेकिन जो बात आप लोगों ने बताई है, मैं आपको भरोसा देता हूँ कि एक तो कल तक जाएंगे।